हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ रणवीर ब्रार और इनसे मिलिए। ये हैं हमारे वेइंग स्केल और ये वेइंग स्केल आज निकले हैं बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि आप हमेशा ही कहते थे कि रणवीर आप जो है सारी रेसिपीज अंदाजे से बना देते हो और हम ट्राई करते हैं बिल्कुल वैसी नहीं बनती है ना। तो आज जो है नमक भी नाप के डाला जाएगा साहब और बनेगी फर्स्ट क्लास मटन बिरयानी, ताकि अगले संडे को आप भी पहले तो वेइंग स्केल खरीदें, फिर सामान खरीदें, फिर हमारी रेसिपी ऑन करें, फिर हमारी बातें सुने, फिर से हमारी रेसिपी ऑन करें, इस बार रेसिपी सुने, फिर से हमारी रेसिपी ऑन करें, इस बार हमारे साथ साथ बिरयानी बनाएं पॉज कर करके। ठीक है, म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। ये लो जी, सबसे पहले मटन। मटन है आपका 1250 ले लीजिए। अभी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना कि रणवीर हमें तो 1 किलो की रेसिपी बताओ, मैं निकाल लेता हूँ भाई, कोई लफड़ा चाहिए ही नहीं आज। नहीं मैं क्या, मेरे को प्रॉपरली दिखानी है तो हर चीज़ में बेमानी। अब आपको दिखाते हैं मैरिनेशन। 1 किलो मटन में डाला दही 225, अब फिर से इसे कर देते हैं जीरो। अब डालेंगे इसके अंदर फ्राई प्याज, 75 ग्राम फ्राई प्याज बहुत है, चलिए और डाल देते हैं थोड़ा, 100 ग्राम कर देते हैं। 25 ग्राम नमक, ठीक है आप 30 ग्राम तक डाल सकते हैं, फिर से जीरो कर देते हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे आज, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। लगभग 75 ग्राम अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसके अंदर फ्राई प्याज का तेल, यानी कि जिस तेल में प्याज फ्राई किया था, 4 हरी मिर्च, फिर से जीरो कर देते हैं। अब क्या रहेगा? हाँ, मसाले। सबसे पहले देगी मिर्च 15 ग्राम, उसके बाद धनिया पाउडर 15 ग्राम के करीब, 2 से 3 ग्राम शाही जीरा, फिर जीरो। उसके बाद धनिए की डंडी, बेसिकली मैंने अपने अंदाजे के नीचे विंग स्केल रख दिया, बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है। माप के नहीं बना रहा हूँ मैं जो बना रहा हूँ उसको माप रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है फ़र्क समझना। उसके बाद पुदीने की पत्ती लगभग 10 ग्राम, यानी कुल मिला के 1 किलो मटन अब 1700 ग्राम हो गया है। जो पुराने बावर्ची होते हैं ना, वो जब भी मटन मैरिनेट करते हैं उसमें थोड़ा सा डालडा डाल देते हैं वनस्पति, या फिर अपने ब्राउन अनियन जो है उनको वनस्पति में फ्राई करते हैं और वो वाला वनस्पति डाल देते हैं, क्योंकि ये जो मैरिनेशन है ना इसको एक अच्छी तह मिल जाती है वनस्पति से। फिलहाल ये हो गया आपका बिरयानी का मटन मैरिनेट। ठीक है, लोग बोलते हैं बिरयानी मसाला डाल दो मटन पकाते टाइम पीस के, वो डालने का फ़ायदा नहीं है, मटन बहुत लंबे समय तक पकेगा, इसलिए बिरयानी मसाला हमेशा जब मटन ऑलमोस्ट पक गया होता है तब लास्ट में जाता है खुशबू के लिए। यहाँ पर खुशबू के लिए हम खड़े मसाले डालेंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक पक के भी अपना फ्लेवर छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद मसाला बनाते हैं बिरयानी का मसाला, रणवीर ब्रार स्पेशल रेसिपी, वो भी नाप नाप के बताओ। धनिया 10 ग्राम, जीरा 5 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम, जावित्री लगभग 2 ग्राम, छोटी इलायची वो भी लगभग 2 ग्राम, बड़ी इलायची 1 ग्राम 2 पीस, लौंग भी लगभग 1 ग्राम, दालचीनी 1 ग्राम, दालचीनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आई थिंक एक ये 2-3 ग्राम तेज़पत्ता तो हो जाएगा, 4-5 पीस। ये हो गया बहुत बेसिक, जो हर कोई घर में बना ले वो बिरयानी का मसाला। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई गुलाब डाल सकते हैं, लगभग 1 ग्राम मैक्सिमम, राइट। बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हटा दूँ इसको, सब कुछ तो पता लग गया अब आपको। ओवर भुनाई नहीं करनी है, बेसिकली धनिया पे नज़र रखिएगा, जब आपको लगता है कि धनिया खुशबू दे रहा है हल्की हल्की तो गैस कर लीजिएगा बंद, बस ब्यूटीफुल। प्लीज फाइन है, एकदम बारीक बारीक। अब पकाना है मटन। मटन पकाने के लिए आपको चाहिए मटन जो हमने मैरिनेट किया हुआ है, और साथ ही आपको चाहिए एक भारी तलने वाली हांडी, या अगर हांडी नहीं मिलती है तो प्रेशर कुकर। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हांडी तो हमारे पास है नहीं इसलिए हम बिरयानी नहीं बनाएंगे।
थोड़ा अपना फ्राई प्याज का तेल और थोड़ा घी, घी बिल्कुल थोड़ा। हाँ ठीक है ना, ये खड़े मसाले रेडी रख लिए, तो तेल गर्म होता है। जावित्री इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता। ये लो सारा मटन आ गया, हांडी आ गई, कपड़ा आ गया, पलटा आ गया। अभी क्या है कि इसका जो भी घी है छूटने दीजिए, वही इसका फ्लेवर है, ठीक है ना। और ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, भूनना नहीं है इसको, भुना गोश्त नहीं है ये, बिरयानी का गोश्त, इसलिए इसको लगाना है ढक्कन। और उसके बाद अपने आप गोश्त के जूसेस छूटेंगे, उसके अंदर मसाला मिक्स होगा, जो भी खूबसूरत फ्लेवर वाले केमिकल रिएक्शन है वो सब होंगे। और क्या, फिर चावल डालेंगे और खा लेंगे, बस इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। ये जितना भी तेल ऊपर आ रहा है ना, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी आपको, बिरयानी में रंग भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा इससे। ये जो तेल है ना, इसमें पूरा फ्लेवर है मटन का, मसाले का, वेस्ट नहीं करना इसको, बाद में बहुत काम की चीज़ बनेगी इससे, बिरयानी की रूह बनेगी इससे। मटन जो है वो 90% के ऊपर पक गया है, अब डालना है वो बिरयानी मसाला जो आपने पीस दिया है। थैंक यू। ओह ये देखिए, फाइन एकदम बारीक बारीक पीस है, और ज़्यादा बिरयानी मसाला नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है, एक चम्मच, चलिए डेढ़ टीस्पून। इसको रखते हैं साइड। अब उबालें चावल। चावल उबालने के लिए आपको चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड, पानी। देखो जी, हमने तैयारी कर रखी थी, गर्म पानी रखा हुआ था, ठीक है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक झोल झाल कर लेते हैं कुछ, यानी कि झोल बना लेते हैं, वो झोल जिससे कि चावल में आएगा फ्लेवर। तो उसके लिए हरी मिर्च, बीच से कर दी स्लिट, धनिया, बिरयानी का मसाला, फ्राई प्याज, मैंने पुदीने को धनिया बोल दिया, किसी ने कुछ बताया भी नहीं, अब एक्चुअली धनिया। इसके बाद वो जो हमने तेल निकाला था फ्लेवर्ड वाला, वो, क्योंकि ये चावल जो है उसको जुड़ने से रोकने के लिए ऑयल या घी लगता है, तो वो सारा तेल जो था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सारे चावल में, तो चावल जुड़ेगा नहीं, बिकॉज उसके ऊपर एक पतली सी परत आ जाएगी इस तेल या घी की। इसलिए वो ऑयल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब गोश्त भून रहे हों उतने पाँव पसारिए जितनी लाभी सौर, यानी कि उतने ही मसाले डालिए जितने कि आप बाद में निकाल पाएँ। एक चीज़ और है, थोड़ा लखनऊ वाला काम कर रहा हूँ, थोड़ा केवड़ा जो हमने झोल बनाया उसमें डाल रहा हूँ मैं। क्या खुशबू है साहब। अब अपने पास है 1 किलो चावल, जिसको हमने आधा घंटा सोक किया है, और आधा घंटा सोक करने के बाद, अगर आपके पास मान लीजिए वक्त ज़्यादा लगेगा आपको, तो आधा घंटा सोक करने के बाद उसको निकाल लें। उससे क्या होगा कि ज़्यादा ओवर सोक नहीं होगा चावल, पानी छान के और फिर रख लें। अब यहाँ पर जो चावल है ना, वहाँ पर आपकी तवज्जो लगेगी, यानी कि आपकी थोड़ी अटेंशन लगेगी, बिकॉज चावल को मैं किस स्टेज पे निकाल रहा हूँ, उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। चावल की स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नीचे का चावल है ना वो ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि वो पकेगा ना, जो गोश्त के जूसेज हैं, ये जो ग्रेवी दिख रही है वो उसके अंदर जाएगी तो वो पकेगा। तो नीचे का चावल अगर आपने बहुत ज़्यादा पका दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये देखिए, एक बेसिक रूल जो है वो ये है कि जितना गोश्त उतना चावल। अब ये जो नीचे का चावल है ये कच्चा भी है और ये सबसे ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा, बिकॉज ये मैक्सिमम फ्लेवर पकड़ेगा मटन का और मसाले का। जब आप बिरयानी काटेंगे, बिरयानी सर्व करेंगे, तो मज़ा इसी से आएगा, थोड़ा बिरयानी मसाला और अब उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेज का पका हुआ चावल। ये जो है चावल 85% के लगभग कुक्ड है। देखिए चावल को खोलते हुए डालना है। हाँ डन।
सिंपल बिरयानी का मसाला, मिंट, फ्राई प्याज, धनिया, केसर। ब्यूटिफुल। देखिए अभी क्या है ना, मेरी हांडी बहुत मोटी है, देखिए। हाँ, अगर आपकी हांडी मोटी है तो ठीक है, नहीं तो नीचे तवा लगा लीजिएगा, राइट? या फिर आटा ले लीजिए और आटे को धीरे 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 फैला लीजिए। लोगों को लगता है कि बिरयानी में सारा आटा वेस्ट हो जाता है, आटा वेस्ट नहीं होता। कुछ लोग ये आटा निकालते हैं, पक जाता है ना आटा, फिर उसको काट के तलते हैं और तल के रायते में डाल देते हैं। कुछ लोग यही आटे को अपने सालन में डाल देते थे, ग्रेवी बनाते थे उसके अंदर ही आटा डाल देते थे, वो साथ में खाते थे। एंड वन टू डन। दम देना मतलब एयर का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए जगह नहीं बचती अगर मैं ढक्कन नीचे लगा देता तो। अपने को चाहिए थोड़ी हवा सर्कुलेट होती रहे, इसलिए ढक्कन मैंने उल्टा डाला है। डन हो गया जी। बस जो सबसे बड़ी गलत फहमी है ना, वो ये है कि ऊपर जो है कोयला रखने से बिरयानी पकती है, हीट जो है ना कभी नीचे नहीं जाती, ठंड नीचे जाती है, राइट? हीट ऊपर आती है, तो इस कोयले की जो गर्मी है वो एक्चुअली ऊपर जा रही है, यहाँ पर सबसे गर्म है, नीचे गर्म नहीं होगा वो। कोयले का मकसद सिर्फ ढक्कन गर्म रखना है ताकि भाप अंदर की पानी ना बने। हीट ऑलवेज ट्रैवल्स अपवर्ड्स, कोल्ड ऑलवेज ट्रैवल्स डाउनवर्ड्स। सिंपल। बिल्कुल धीमी आंच पे कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट। जितना कम तापमान रहेगा और लंबा समय रहेगा उतनी बिरयानी अच्छी बनेगी, ठीक? अभी बहुत सारी गलतियां हम कर सकते हैं। सबसे पहली गलती जो हम ये कर सकते हैं कि बिरयानी को तुरंत इमीडिएटली खोलें और इमीडिएटली खाने लग जाएं। चावल जो है उसको हल्का सा सेट होने में टाइम लगेगा, तो उसको टाइम दें। ये देखिए, ये जो ग्लेज है ना चावल पे, ये जो चमक है, बस ये चमक ही मोनोपोली है, ये देख रहे हैं आप? ये जो बिरयानी की ग्लेज चमक है ना, यही मोनोपोली अच्छी बिरयानी की। देखिए चमक जो है वो मीट की चमक है, मटन की चमक है। देखिए किसी भी बिरयानी के ना तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है गोश्त, मटन। उसके बाद होता है गोश्त के साथ वाला वो जो मसाले वाला चावल होता है, जो सबसे नीची वाली तह थी ना चावल की, जो हम अभी डाल रहे हैं, जिसमें कि पूरी रजाइयत, रिचनेस, गोश्त का फ्लेवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है। ये है फ्लेवर वाला राइस। वाह, देखिए गोश्त की गलावट देखिए, गोश्त की चमक देखिए, और गोश्त का पकना दिखाऊं, एकदम घुल रहा है ना। और रणवीर का लालच देखिए भाई, बिरयानी जो है ना हाथों से खाई जाती है। अब बिरयानी खाने का तरीका भी यही है कि मटन प्लस मसाले वाला चावल प्लस खुशबू वाला चावल, तीनों मिक्स करके खाना है, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, और मैं कहूँगा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। फिर सब्सक्राइब करेंगे उसको अच्छा भी कर लीजिए, ठीक है ना? अगर बिरयानी में वो रिचनेस हो ना तो रायते आते कुछ की जरूरत नहीं है। तो अगर वो तेल आपने पहले से निकाला हो, उसको अच्छे से यूज किया हो, तो बिरयानी अपने आप में इतनी नरम होती है कि भुक्कड़ नहीं हूं मैं, स्वाद बनी है।